गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, हे किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ए द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बलिया में हूं, जहां पर भृगु मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। आप तस्वीरों में देख ले, इस समय हम लोग भृगु आश्रम में हैं और यहां पर देख रहे हैं कि किस तरह भक्तों का भीड़ लगा हुआ है। पूरे देश से लोग भृगु आश्रम आया करते हैं, इसी तरह यहाँ पूजा पाठ किया करते हैं, अपनी मन्नतों को माना करते हैं। कहा जाता है कि भृगु बाबा एक महर्षि थे और भृगु बाबा एक बहुत बड़े महर्षि थे जिन्होंने यहाँ पर अपनी समाधि ली हुई है। अनिल सिंह यहाँ पर बराबर मुझसे कहा करते थे कि हिमांशु जी उत्तर प्रदेश के भृगु आश्रम जरूर चलिए। आज यहाँ पर हम आ चुके हैं, डी फोकस की टीम आ चुकी है, मन्नत पूरी हो गई, कितना खुश हैं और क्या यहाँ का महत्व है? ये तपोवन भूमि है। जब युग का निर्माण करना था, बाबा भृगु का जन्म आज से 5000 पूर्व जो आपका ईरान देश है उस जगह पे इनका जन्म हुआ था, और जब ये कलयुग का निर्माण करना था तो भगवान विष्णु उनके कमंडल में मछली के रूप में आए थे, और कहा जाता है कि 4 जगह स्वयं नारायण धरती पे अवतार हुए हैं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र, बलिया में भृगु क्षेत्र, सोनपुर में हरिहर क्षेत्र, और नेपाल से दक्षिण दिशा में आपका ब्राह क्षेत्र, जहाँ हिरण्यकश्यप को मार कर करके ब्राह के रूप में भगवान धरती को उतार कर करके पतालपुरी से लाए थे। तो ये चारों जगह एक ही दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत महत्तम है, और गुरु पूर्णिमा, आज गुरु नानक जी का भी जन्मदिन है, तो एक ही दिन जो है चारों जगह मेला लगता है। और ये बाबा भृगु का दरबार है, तपोवन भूमि है। तो मैं आपको बाबा भृगु के बारे में इतना ही कहूँगा कि जब युग का निर्माण करना था तो उन्होंने बैकुंठ धाम गए तो विष्णु भगवान के हृदय में उन्होंने लात मार दिया, द्वारपाल ने रोका तो हृदय में लात मार दिया, तो भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु आपके पैरों में हमारे कठोर हृदय से कहीं दर्द तो नहीं हो गई? तो बोले कि आप यहाँ पे झुक कर निर्माण करना और आप सोए हुए हैं लक्ष्मी जी के साथ में, तो उस समय लक्ष्मी जी ने उनको कहा था कि जाइए, आप लोग रिसीवर हैं, तपस्या करते हैं, आप स्वयं कक्ष में चले आते हैं, तो जाइए, आपके पास लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। तो मैं बलिया के बारे में आपको ये बता देता हूँ कि लक्ष्मी जी को बाबा भृगु ने कहा कि जहाँ मेरा मृग छाल गिरेगा वही मेरा तपोवन होगा, अगर मेरा एरिया का आदमी माला माल नहीं होगा तो कंगाल भी नहीं होगा। आप आज देख रहे हैं कि ये इसी जगह पे मृग छाल गिरा था बाबा का, और ये तपोवन स्थली है।
तो ये तपोवन स्थली है, यहाँ बाबा खुद समाधि लिए हुए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या कब से आ रहे हैं यहाँ? हम लगभग 20 सालों से आ रहे हैं। हाँ, क्या महत्ता है यहाँ? यहाँ की बहुत बड़ी महत्ता है। कार्तिक के पूर्णिमा के दिन यहाँ माना जाता है कि 84 लाख देवता जो है आके यहाँ गंगा में स्नान करते हैं, उसी का पूर्णिमा के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। तो कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ से देश के कोने कोने से लोग आते हैं, भारतवर्ष के, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। आज के दिन का यहाँ बहुत ही बड़ा महत्व है। और यहाँ जो ददरी मेला लगता है, भृगु बाबा के शिष्य परम शिष्य दरदर मुनि के ही नाम पे लगता है। तो आप तस्वीरों में जरा गौर से देख ले, बाबा की तस्वीर जरा गौर से मैं कहूँगा देवेंद्र को दिखाने के लिए। इसी जगह पर बाबा ने समाधि लेकर रखा है और यहाँ पर लोग उनकी समाधि की पूजा अर्चना करने आया करते हैं। कहा जाता है कि जो जैसे मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी हुआ करते हैं। पुजारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बात ज़रूर कराएँगे थोड़ी देर के बाद। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर। तो जब भी हम लोग हिंदुस्तान के कोई बड़े मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे जब पूजा अर्चना समाप्त होती है तो दान की भी परंपरा होती है। लेकिन मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि यहाँ एक अलग तरह का दान होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के कई मंदिर हम लोग गए हैं वहाँ पर इस तरह का दान हम लोगों ने नहीं देखा। यहाँ चावल, आटा और क्या क्या है थोड़ा पुजारी जी से जानते हैं, क्या यहाँ पर क्या परंपरा है, ये पोटली बना कर क्यों लोग आपको दे रहे हैं? ऐसा है कि परंपरा ये है कि जब धर्म स्थल पर जाते हैं लोग स्नान कर गंगा स्नान करने के बाद तो वहाँ पर कुछ पूजा पाठ के बाद दान किया जाता है, है अपना जो कुछ भी होता है, अन्न पैसा चावल दाल सोना चांदी जो भी होता है वहाँ पर दान किया जाता है अपने माने कि फायदे के लिए। अच्छा बाबा, क्या मान्यताएँ हैं, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं? ये भृगु जी महाराज का ये मंदिर है। अच्छा ना, भृगु जी महाराज जो कि है ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जिनकी त्रिदेवा की परीक्षा लिए थे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें ब्रह्मा जी भी फेल हो गए, अपने पिताजी को भी श्राप दिए, शंकर भगवान को भी श्राप दिए और विष्णु भगवान को जाकर लात मारे क्षीर सागर में। जब लात मारे हैं भृगु जी महाराज तो वहाँ पर विष्णु भगवान उठकर उनका चरण पकड़ लिए हैं और कह रहे हैं कि दुष्टों का दमन करते करते ये छाती जो की है वज्र के समान कठोर हो गया है और ब्राह्मण का चरण जो की है वह तपस्या करते करते कमल के समान कोमल हो गए, इसमें चोट लग गई। तो उसी समय वहाँ पर भृगु जी महाराज लज्जित हो गए हैं। लज्जित होने के बाद भृगु जी महाराज कहें, कह रहे प्रभु हमने अपराध किया और आप इतना बड़ाई दे रहे हैं, है तो कहें कि नहीं ये तो मेरा अपराध है कि हमारे द्वार पर कोई अतिथि आवे और उससे मैं मुंह मोड़ कर हट जाऊं तो ये मेरा अपराध कहा जाएगा, हैं अन्यथा जो अतिथि आया है उनका नहीं। तो भृगु जी महाराज कहें कि अच्छा ठीक है प्रभु, हैं हमें शांति कैसे मिलेगी, इसके लिए कोई आप उपाय बताइए। तो विष्णु भगवान मृग चला दिए और कहे कि आकाश मार्ग से होता हुआ जाएगा, जहाँ पर गंगा होगी है वहाँ पर मृग छाला गिरेगा, वहीं पर आप लोग तपस्या कीजिएगा, हैं तपस्या करेंगे उसी समय वो हम लोग आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। इसलिए ये यहाँ से 3 किलोमीटर पर गंगा जी हैं, वहाँ पर मृग छाला गिरा, वहाँ पर तपस्या किए और तपस्या करने के बाद यहाँ पर भृगु जी महाराज का स्थान बना है, इसलिए पवित्र है। यहाँ पर मान्यता है कि भृगु जी महाराज विष्णु भगवान भगवान को साक्षात मारे लात मारे हैं, हैं गीता में महर्षि विष्णु भगवान का है कि महर्षि नाम भृगु, जो महर्षियों में भृगु हैं वो मैं स्वयं हूँ, हैं विष्णु भगवान कह रहे हैं, कह रहे भाई मैंने अपराध किया है, हैं तो लो लक्ष्मी जी श्राप दे दी कि जाइए आपके कलयुग में आपके ब्राह्मण लोग हैं वो निर्धन होंगे, हैं तो निर्धन होंगे तो भृगु जी महाराज कह रहे हैं लक्ष्मी मैंने अपराध किया और सारे ब्राह्मण वंश को ही तूने श्राप दे दी, ये कैसे होगा? ठीक है ये श्राप आपका हमारे माने कि सूरोधार है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, हैं और जब जब ब्राह्मण के चरण पर तुम गिरोगी तभी तुम्हें शांति मिलेगी, हैं
और भृगु संहिता लिख दिए भृगु जी महाराज। अभी तक दो संहिता बना है, एक भृगु संहिता एक रावण संहिता, पूर्व काल भविष्य काल वर्तमान काल तीनों काल का उसमें लेखा जोखा भृगु जी महाराज ने लिख दी है, इसलिए भृगु जी महाराज का नाम प्रचलित हुआ। तो सुना आपने, इतिहास में यही वर्णन है जो पुजारी हमें बता रहे थे। भृगु आश्रम उत्तर प्रदेश बलिया जिले में मौजूद हूँ और इसी जगह पर यह आश्रम भी मौजूद है जिसकी तमाम बातें हम आपको बता रहे थे। पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत। एक तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ, ये आरा का बहुत ही फेमस पूड़ी है। इस पूड़ी का नाम क्या नाम है? ब्रह्मभोज। ब्रह्मभोज आरा का ये फेमस पूड़ी है। अच्छा, कब से आए हैं आप? हम लोग आए हैं कल से। तो कल से कितने लोगों को अभी तक भोजन कराते हैं? अभी तक हम लोग 10,000 आदमी, मतलब 1,000 से ऊपर आदमी को भोजन करा चुके हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ 1,500 लोग को भोजन करा चुके हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखा देना चाहता हूँ, इस पूड़ी की आप तस्वीरें देख ले। मैंने तो इससे पहले आपको बहुत चीज की तस्वीरें दिखाया है, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती पर आए हुए हैं। हाँ, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से आए हुए हैं और यहाँ लंगर चला रहे हैं। जो भूखे लोग आ रहे हैं उन्हें प्रसाद के रूप में सब दे रहे हैं। ये बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती के लोग हैं और इनकी गुरुजी यहाँ पर ये लंगर चला रहे हैं। तस्वीरें आप देख लें कि किस तरह जो लोग आते हैं उनको ये लोग बहुत ही प्रेम से बैठाकर खिलाते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ भी लगी हुई है, कितना संतुष्टि मिलता है। बहुत अच्छा लगता है सबको खिलाने में। कहाँ से आई हो? आश्रम से, शास्त्री पार्क के पास से। अच्छा, तुम कब से कहाँ से आई हो? हम छपरा से हैं। छपरा से, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बच्चों को खिलाया है? काफी, 200-150 बच्चों को खिला सकते। मैं काफी देर से जब यहाँ पे आया था तो मैं बताऊँ कि मैं देख रहा था कि ये जो बच्चियाँ हैं ये लगातार जो यहाँ पर लोग आते थे उन्हें भोजन करा रही थी। कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं। क्या ऐसा अनुमान था कि इतना पूजा पाठ करने के बाद इतना लजीज व्यंजन भी मिलेगा आश्रम के आगे? जी जी, हर साल यहाँ पे हम लोग घूमता है और गुरुजी हर साल यहाँ आते हैं। जी, हर साल आते हैं हम लोग संगमीर। गुरुजी हर साल आते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ किया करते हैं। और जब जो लोग पूजा पाठ करके इस प्रांगण में निकलते हैं तो यहाँ पे प्रसाद भी दिया जाता है। ऐसी परंपराएं हैं जो गुरुजी अपने गुरुजी से सीख के आए थे। कैमरामैन जंदर के साथ GP मानसू, अंतर्गत न्यूज़ बलिया।